लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया था. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट रिसेसिव डिसऑर्डर दैट इज थैलेसीमिया. थैलेसीमिया भी एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है ना. जस्ट लाइक सिकल सेल एनीमिया, इट इज आल्सो अ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, इसमें देयर आर टू जीन्स है ना. अच्छा पहले हम जान लेते हैं. अब आपको पता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है दैट इज मेड अप ऑफ टू अल्फा चेन्स एंड टू बीटा चेन्स है ना. दिस इज द नॉर्मल जनरल अडल्ट हीमोग्लोबिन. अब ये जो दो नॉर्मल आपका टू अल्फा चेन होता है, ठीक है, दैट इज कोडेड बाय टू जीन्स है ना, एच बी ए वन एंड एच बी ए टू. ठीक है, एच बी ए वन और एच बी ए टू, ये जो दो जीन होता है, ये दो जीन आपका अल्फा चेन के लिए कोड करता है. ठीक है, और दीज बोथ आर लोकेटेड ऑन द 16th क्रोमोसोम. ठीक है, और आपका एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है कि इट इज कोडेड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स है ना. अब क्लोजली लिंक्ड जीन्स कहने का क्या मतलब है बताइए आप. ऑब्वियसली उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर का चांसेस बहुत कम होगा है ना. तो अगर हम मान लेते हैं कि वो क्रोमोसोम 16th का वो आर्म है जहाँ पे आपका एच बी ए वन जीन और एच बी ए टू जीन प्रेजेंट है ना. एंड दीज टू आर वेरी क्लोज है ना, एकदम क्लोजली लिंक्ड है. तो अगर कोई पोर्शन का डिलीशन होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस क्या है कि दोनों का दोनों आपका एक साथ ही डिलीट हो जाएगा. क्यों? बिकॉज दे बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर है ना. लिंकेज मैप्स में जब हम पढ़ाए थे तो वैसे ही दीज बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, ये जो एच बी ए वन और एच बी ए टू जीन्स होते हैं दे आर ऑन 16th क्रोमोसोम. तो अगर एक क्रोमोसोम, अगर एक हीमोग्लोबिन ग्लोबिन चेन के लिए दो जीन है तो टोटल अलील्स कितना हो जाएगा जो अल्फा चेन के लिए कोड करता है. टोटल अलील्स विल बी 4. ठीक है, इसी तरह से बीटा चेन के लिए सिर्फ एक ही जीन होता है दैट इज एच बी बी है ना. एक ही जीन होता है दैट इज एच बी बी एंड दैट इज लोकेटेड ऑन योर 11th क्रोमोसोम. ठीक है, दिस इज लोकेटेड ऑन योर 11th क्रोमोसोम. एक ही जीन होता है एच बी बी जो कि बीटा के लिए ये कर रहा है. तो ऑब्वियसली इसमें कितना अलील्स होगा जो बीटा ग्लोबिन चेन के लिए कोड करेगा? 2 होगा. अब आप सोचिए कि किसी म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है कि इनमें से एक अलील अपना काम करना बंद कर देता है ना. एक अलील अपना काम करना बंद कर देता है. तो आप सोचिए इसमें से अगर एक अलील अपना काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा? बाकी 3 तो काम करेंगे. 3 में से 2 छोड़ दिया, फिर भी बाकी 2 करेंगे. वो भी छोड़ दिया, फिर भी एक करेगा. और चारों नहीं करेगा तब जाकर के आपका अल्फा वाला चेन में कुछ प्रॉब्लम आएगा. ठीक है, लेकिन बीटा वाले के साथ ऐसा नहीं है. बीटा वाले में सिर्फ एक ही जीन है जो कि बीटा ग्लोबिन चेन के लिए कोड करता है. तो अगर इसमें से एक ही हुआ तो वो कैरियर हो जाएगा है ना. और दोनों गया तब तो उसमें बीटा ग्लोबिन चेन बनेगा ही नहीं. ठीक है, तो है ना. तो इसीलिए जो थैलेसीमिया होता है उसमें क्या होता है, थैलेसीमिया इज अ डिसऑर्डर जिसमें कि आपका कोई एक जीन, ये सब में से कोई एक अलील अपना काम करना बंद कर देता है जिसके वजह से किसी एक चेन का सिंथेसिस अफेक्ट होता है ना. अगर एच बी ए वन वाले जीन के की कोई एक अलील जो होगा वो बनाना बंद कर दिया तो दैट विल बी अल्फा थैलेसीमिया ना. थैलेसीमिया हम नेम कैसे करते हैं, जो वाला ग्लोबिन चेन आपका बनना कम होता है या बनना बंद हो जाता है उसके वाले ऊपर के हम उसको नेम कर देते हैं ना. जैसे मान लेते एच बी ए वन वाले जीन में अगर आपकी गलती है, वो वाला अगर आपका उसका एक अलील अल्फा चेन के लिए कोड नहीं कर पा रहा है तो वो किस टाइप का थैलेसीमिया हो जाएगा, दैट विल बी अल्फा थैलेसीमिया. ठीक है, उसी तरह से अगर बीटा वाले के लिए, अगर आपको बीटा वाला का कोई एक अलील अगर काम नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज बीटा थैलेसीमिया. अब आप बताइए कौन सा डिजीज ज्यादा, कौन सा आपका टाइप का थैलेसीमिया ज्यादा मिलेगा आपको और ज्यादा डेंजरस होगा? तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस बीटा थैलेसीमिया ज्यादा डेंजरस होगा. क्यों? क्योंकि इसमें से 2 ही अलील है मेरे पास, एक भी
खराब हो जाए तो तुरंत कैरियर स्टेट में चला जाएगा, लेकिन सिंस अल्फा चेन के लिए मेरे पास चार चार एलील है, कोई एक या दो खराब भी होगा तो मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, दो या तीन फिर भी काम करेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली बीटा थैलेसीमिया इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना, और हमको मिलता भी ज्यादा कौन सा है, बीटा थैलेसीमिया, क्योंकि अल्फा थैलेसीमिया वाले लोगों को कुछ उतना फिनोटिपिकली प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो कई बार डायग्नोज भी नहीं होते, ठीक है, दे आर ऑल्सो नॉट डायग्नोज। तो चलिए थोड़ा सा हम बीटा थैलेसीमिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट बीटा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया में आपका क्या होता है कि तीन फिनोटाइप हो सकते हैं, ठीक है, तो लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय बी, ठीक है, बीटा जिसमें नॉर्मल अगर होगा दिस इज अ नॉर्मल ट्रेट, है ना, दिस इज अ नॉर्मल ट्रेट, इसको पॉजिटिव से हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट नहीं करते, आप बीटा भी नॉर्मल के लिए याद रखिए, अगर इस किसी में एक बीटा अलील काम नहीं कर रहा है तो उसको हम माइनस से डिनोट करते हैं ना, दिस इज अ जीन व्हिच इज affected, this is the allele which is affected from beta thalassemia. तो इसको हम बोलते हैं carrier state. This is the carrier state. And इसमें इस type के beta thalassemia से जो suffer करते हैं, those type of patients are known as beta thalassemia minor. है ना? They are known as beta thalassemia minor. और अगर दोनों का दोनों जीन इज अफेक्टेड, बोथ ऑफ द जीन आर अफेक्टेड, देन द पर्सन इज अफेक्टेड, देन द पर्सन इज अफेक्टेड, एंड सच पीपल आर नोन एज बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया मेजर, है ना, बीटा थैलेसीमिया मेजर। अब इसमें होता क्या है थैलेसीमिया में, आपको पता चल गया कि किसी एक ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस ही नहीं होता है, या होना कम हो जाता है या नहीं होता है। तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में डिफरेंस क्या हुआ, सिकल सेल एनीमिया में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ग्लोबिन चेन बनता है लेकिन डिफेक्टिव चेन बनता है ना, वो उसका वो जो चेन बनता है दैट इज डिफेक्टिव, है ना, ऐसा नहीं कि कम बनता है, लेकिन थैलेसीमिया में डिफेक्टिव चेन नहीं बनता है, चेन ही नहीं बनता, है ना, चेन ही बनना आपका कम हो जाता है। तो द फर्स्ट वन इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम एंड द सेकंड वन दैट इज थैलेसीमिया, इट इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, इसमें क्वांटिटी कम हो जाता है। अब क्या होता है कि अब इसमें डिजीज क्यों होता है, व्हाई इज इट डेंजरस, हाउ डज इट कॉज डिजीज। तो ये जो आरबीसी होता है इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है आपका, है ना, ये आप हीमोग्लोबिन इनसाइड आरबीसी। अब आप सोचिए इस हीमोग्लोबिन ये जो मॉलिक्यूल बना इसमें आपका बीटा चेन कम बना, अल्फा चेन रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो अल्फा चेन का क्वांटिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, कुछ जितना बीटा बना उसके साथ अल्फा बीटा एसोसिएट करके तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बना लेगा, लेकिन जो अल्फा बीटा के साथ नहीं मिल पाएगा वो क्या होगा, वो ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही रहने की वजह से वो क्या करता है डेंसिटीज बना देता है RBC में, ऐसे करके aggregates बन जाता है, ठीक है। अब aggregates ये सब बना, कुछ भी हुआ, RBC का oxygen carrying capacity घट गया, RBC का shape and size change हो गया, है ना, तो क्या होगा RBC का destruction spleen में, एकदम same अब sickle cell anemia के जैसा, तो RBC का क्या होगा destruction spleen में बढ़ जाएगा। तो ऐसा पेशेंट भी किस टाइप क्या से चीज से सफर करेगा, हीमोलिटिक एनीमिया, है ना, हीमोलिटिक एनीमिया, दिस पर्सन शैल आल्सो सफर फ्रॉम हीमोलिटिक एनीमिया, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट थैलेसीमिया, इससे ज्यादा आपको थैलेसीमिया में नहीं जाना, बस आपको जानना है कि अल्फा वाला के लिए चार जीन और अल्फा वाला के लिए चार एलील होता है, बीटा वाला के लिए दो एलील होता है, एंड इसीलिए ये हम ज्यादा पढ़ते हैं, अल्फा आपको कम इनकाउंटर होता है, कई बार केसेस में डायग्नोज भी नहीं होता, ठीक है। सो हियर वी एंड विद थैलेसीमिया। नेक्स्ट दिस इज फिनाइल क्वीटोन्यूरिया, फिनाइल क्वीटोन्यूरिया के बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है,
बस एक दो चीज जानना है, जल्दी से बता देते हैं। सो फिनाइल की जो है फिनाइल कीटो यूरिया को कहता है आपका कि दिस इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, है ना, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। कहने का क्या मतलब, इनबॉर्न मतलब दैट इज कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल मतलब सिंस बर्थ, है ना, पैदा लिए तब से ही आपके बॉडी में, है ना। तो इनबॉर्न एरर दैट इज एन एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपके बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है सबको मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसमें कौन सा मेटाबॉलिज्म आपका बिगड़ता है, तो एक एंजाइम है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज, दिस इज एनकोडेड बाय अ जीन, ठीक है, दिस इज एनकोडेड बाय अ जीन, कोई जीन एक एंजाइम फिनाइल कीटोन्यूरिया बनाता है। अब ये जो फिनाइल, ये जो एंजाइम होता है, इसका काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। इसका काम क्या होता है, दिस एंजाइम कन्वर्ट्स अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन, ठीक है, नॉर्मल है बहुत। अब मान लेते हैं कि तीन तरह का इसमें फिर से मेरे को जीनोटाइप्स मिल सकता है ना। एक हम मान लेते हैं जो नॉर्मल है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया का, उसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा जो एक अफेक्टेड है ना फिनाइल कीटोन्यूरिया वाला, उसमें एक ऐसा जीन है जो कि ये एंजाइम नहीं बना पा रहा है। और एक तीसरा ऐसा है जिसमें दोनों का दोनों जो अलील है उस जीन का, वो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम नहीं बना पा रहा है। तो इन दोनों में तो ज्यादा कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ क्योंकि सही अमाउंट ऑफ फिनाइल एलानिन बन जाएगा ना, इसमें एक नहीं भी बना रहा है तो दूसरा तो बना ही रहा है। इसमें क्या होगा, ये वाला एंजाइम नहीं बनेगा, नहीं बनने की वजह से क्या होगा, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, फिनाइल एलानिन का लेवल आपके बॉडी में बढ़ने लग जाएगा, है ना, बढ़ने लग जाएगा। तो ये फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड आपके बॉडी में जगह जगह पे एक्यूमुलेट करने लग जाएगा, है ना, जगह जगह पे एक्यूमुलेट करेगा, जैसे कि ब्रेन में एक्यूमुलेट करने लग गया, मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा, यूरिन में निकलने लग गया, यूरिन से स्मेल आने लगेगा, यूरिन का कलर ब्लैक हो जाएगा, है ना। सो दीज आर वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपिज्म, याद रखना आपके बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लियोट्रोपिज्म का। This is an example of pleiotropism आपके बुक में, है ना, क्योंकि एक जीन के खराब होने की वजह से आपका वेरियस टाइप्स ऑफ मैनिफेस्टेशंस, आपके फिनोटाइप्स आपके बॉडी में दिखता है। तो एक जीन जब बहुत सारा कैरेक्टर कंट्रोल करे तो व्हाट इज दैट, दैट इज प्लियोट्रोपिज्म। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में इतना ही आपको याद रखना, दिस इज अ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। और उसके साथ क्या याद रखना है, इसमें ये वाला एंजाइम होता है जो कि बनना बंद हो जाता है, जिसके वजह से फिनाइल एलानिन का एक्युमुलेशन होता है। और आपके बुक में एक दो दिया हुआ है कि मेंटल रिटार्डेशन होता है, है ना, यूरिन आपका ब्लैक हो जाता है स्टैंडिंग पे। सो ये सब इसका आपका मैनिफेस्टेशन होता है। यहाँ फिनाइल कीटोन्यूरिया खत्म, तो यहाँ पे आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर्स खत्म, ठीक है। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।
डिसऑर्डर्स में आपके एनसीईआरटी में ठीक है एक वर्ड दिया हुआ है ना, दैट मतलब आपके एनसीईआरटी में जो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दिया हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ अ कंडीशन नोन एज एनियोप्लोइडी, दैट इज बिकॉज ऑफ अ कंडीशन नोन एज एनियोप्लोइडी. सो व्हाट इज एनियोप्लोइडी, एनियोप्लोइडी क्या होता है? अब जैसे आपका नॉर्मल प्लोइडी क्या होता है, व्हाट इज द प्लोइडी मतलब कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम आपके एक सेल में है, दैट इज द प्लोइडी ऑफ द सेल. एक सेट है तो हैप्लोइड, दो सेल है तो डाइप्लोइड, है ना, इस तरीके से. तो एनियोप्लोइडी हम कब बोलते हैं, जब आपके क्रोमोसोम में से या तो एक क्रोमोसोम पर सेल बढ़ जाए या तो एक क्रोमोसोम पर सेल घट जाए, ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनियोप्लोइडी. मतलब कि अगर किसी पर्सन में 46 के जगह 47 क्रोमोसोम हो गया तो दैट पर्सन इज एनियोप्लोइड, है ना. 46 के बदले 45 क्रोमोसोम हो गया तो दैट पर्सन इज एनियोप्लोइड, ठीक है. जब एक क्रोमोसोम घट जाता है तो आप सोचिए कि जो भी एक पैर होगा, है ना, जो भी एक पैर, हर पैर ऑफ क्रोमोसोम होगा, कोई एक पैर में से एक तो प्रेजेंट होगा, दूसरा वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी सबका प्रेजेंट होगा दोनों जगह पे, है ना. किसी एक पैर का एक क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोप्लॉइडी, ठीक है. दिस कंडीशन इज नोन एज मोनोप्लॉइडी, ठीक है. और उसके बाद अगर बढ़ गया तो इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है. अगर क्रोमोसोम आपका बढ़ गया तो दिस इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी. हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में आपका तीन एग्जांपल आपको आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है. आपको तीन डिसऑर्डर्स पढ़ना है. कौन कौन सा डिसऑर्डर्स पढ़ना है? सो यू हैव टू रीड डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. सो देखते हैं कि क्या क्या होता है. ये जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें 21st क्रोमोसोम आपका एक एक्स्ट्रा हो जाता है, है ना. देयर इज 3 21st क्रोमोसोम, ठीक है. इसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम. नाम डाउन सिंड्रोम क्यों है? क्योंकि लैंगडन डाउन ने डिस्कवर किया था तो डाउन सिंड्रोम, ठीक है. तो अब इसमें सोचो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया तो ये किसका एग्जांपल है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीप्लॉइडी, है ना. ये किस टाइप का एनियोप्लॉइडी है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीप्लॉइडी, ठीक है. तो ये डाउन सिंड्रोम का देखो आपके बुक में बहुत अच्छा सा फोटो दिया हुआ है ना, बनाने में टाइम नहीं वेस्ट करते, बहुत अच्छा सा फोटो दिया हुआ है विथ ऑल द कैरेक्टर्स, है ना. तो इसमें क्या होता है, देयर इज ट्राइजोमी, तीन नंबर आपको मिलता है 21st क्रोमोसोम का, देयर इज ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. तो ये बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया है, इसका आपको फीचर्स याद रखना है, ठीक है. फीचर्स क्या है, है ना, फ्लैट हेड होगा, राउंड फेस होगा इसका, दो है ना कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होगा, मतलब बचपन से ही उसको हार्ट डिफेक्ट होगा. दो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, एक होता है आपका सियामियन क्रीज. सियामियन क्रीज क्या होता है, नेट पे जाके सर्च करना. ये जो आपका दो लाइन होता है ना, ये आपका एक बन जाता है ना, दीज टू लाइन्स आर नॉट डिफरेंट, ये एक हो जाता है, ठीक है. और ये जो लूप्स हमको नॉर्मल तीन लूप दिखता है अपने फिंगर्स पे, इनका मल्टीपल लूप्स होता है, बहुत सारा लूप्स होता है, ठीक है. सो दिस इज योर डाउन सिंड्रोम, ठीक है. टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, अच्छा उसके पहले क्लाइनफेल्टर डिस्कस कर लेते हैं. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि आपका जो मेल्स होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है. नॉर्मल क्या होता है, मेल्स का क्रोमोसोम एक्स वाई होता है सेक्स क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन, लेकिन मेल्स में अगर गलती से एक और एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया. अच्छा ऐसा होता क्यों है आपने सोचा है कभी?
कि ऐसा क्या होता है, ऐसा कैसे गैमेट फ्यूजन करता है कि आपका ऐसा हो जाता है। तो सोचो कि अगर मियोसिस हो रहा है, मियोसिस अगर आपका हो रहा है, क्लास 11th में पढ़े थे, तो मियोसिस में आपका एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या होता है आपका, आपका ये क्रोमोसोम अलग होके दो अलग अलग सेल में बढ़ता है। गलती से क्या हुआ, कभी अगर गलती से ऐसा हुआ कि एनाफेज में कोई एक क्रोमोसोम आपका अलग नहीं हो पाया है ना, तो उसमें क्या होगा, एक ऐसा गैमेट बनेगा जिसमें वो वाला क्रोमोसोम दो आ जाएगा और एक ऐसा बनेगा जिसमें आएगा ही नहीं, है ना। तो जिसमें दो आ गया वो वाला गैमेट अगर जाके फ्यूज करेगा तो क्या होगा, आपको पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा, है ना, वो वाला क्रोमोसोम। अब जैसे मान लेते हैं ये नॉर्मल फीमेल गैमेट है, ठीक है, इसमें नॉर्मली एक क्रोमोसोम है। अब इसी का यहाँ पे एनाफेज में अगर ये अलग नहीं हो पाया, ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, सेम टाइप का जो वाला क्रोमोसोम है उसका तीन हो जाएगा, है ना, देयर विल बी ट्राइसोमी, एक दो तीन, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसके चलते होता, दिस इज नोन एज नॉन डिसजंक्शन, ठीक है, दिस इज नोन एज नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स एनाफेज के टाइम पे अलग नहीं हो पाए, इसीलिए उनको ऐसा गैमेट बनता है जिसके वजह से या तो आपका ट्राइजोमी होता है या मोनोजोमी होता है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ मोनोजोमी, वेरी सॉरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइजोमी। ट्राइजोमी क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक टाइप के तीन क्रोमोसोम हो जाते हैं, यहाँ तो भी तो तीन हुआ ना, भले वाई है उससे क्या हुआ, है तो अल्टीमेटली सेक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हुआ होगा तभी तो दो एक्स हो पाया होगा, या एक्स वाई हुआ होगा, नॉन डिसजंक्शन हुआ होगा तभी तो दो एक साथ आया होगा। तो दीज बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर ट्राइजोमी, ठीक है। और ये टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में मान लो कि एक जो खाली वाला गैमेट है वो जाके फ्यूज करेगा तो क्या होगा, हम मान लेते हैं कोई नॉर्मल आपका फीमेल गैमेट है जो कि एक एक्स क्रोमोसोम कैरी किया है, मेल के भी गैमेट को एक एक्स कैरी करना चाहिए था फीमेल बनाने के लिए, लेकिन उसके पास वो एक्स क्रोमोसोम नहीं है। वाई, बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन, दोनों का दोनों क्रोमोसोम एक ही सेल पे चला गया। अब जिसमें नहीं है वो वाला गैमेट जाकर के फ्यूज कर दिया, है ना, तो क्या होगा, इसमें से 45 क्रोमोसोम्स आएगा, है ना, इसका जीनोटाइप कैसा हो जाएगा, एक्स ओ टाइप का हो जाएगा, एक जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक आपका एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ मोनोजोमी, है ना, दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ मोनोजोमी, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, डाउन सिंड्रोम का तो बता दिया। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो फीमेल होती है, नॉर्मली इसको एक्स क्रोमोसोम है तो सिर्फ क्या होगी, फीमेल होगी ऑब्वियसली, है ना, वाई रहने से ही मेल होता है। तो एक्स ओ टाइप का फीमेल में क्रोमोसोम में क्या होगा, उसका सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं करेगा, जैसे उसका ब्रेस्ट रूडिमेंट्री होगा, मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, ओवरीज का डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका हाइट काफ़ी छोटा होगा, ये सब तीन चार चीज़ आपके एनसीईआरटी में लिखा है, बस वो पॉइंट्स याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है, आपका जीनोटाइप दैट इज एक्स एक्स वाई, तो वाई प्रेजेंट है मतलब क्या, दैट इज मेल, तो एक्स एक्स वाई ऐसा मेल होगा जिसमें आपका फीमेल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो एक्स क्रोमोसोम आ गया है ना, तो फीमेल का कैसा कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, उसमें गायनेकोमास्टिया होता है, दैट इज गायनेकोमास्टिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गायनेकोमास्टिया, दैट इज ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल्स, ठीक है, गायनेकोमास्टिया मींस ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल्स। नेक्स्ट आते हैं उसका जो टेस्टिस होगा दैट विल बी रूडिमेंट्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका फीमेल पैटर्न भी आ गया तो आपका टेस्टिस प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएगा, उसके साथ आपका फीमेल हेयर ऑफ फीमेल प्यूबिक हेयर ग्रोथ पैटर्न मिलेगा, जैसे फीमेल्स में प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होता है उस टाइप का पैटर्न आपको मेल्स में दिखेगा। तो दीज आर सम फीचर्स फॉर आपका क्लाइनफेल्टर्स एंड टर्नर सिंड्रोम, है ना। तो याद रखना है कि आपका तीन चार टर्म है, एन्यूप्लॉइडी में आपका दो चीज होता है, मोनोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, है ना। मोनोप्लॉइडी तब होता है जब पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपका सिर्फ एक हो, पॉलीप्लॉइडी कब होता है जब पूरा का पूरा सेट आपका दो हो, ठीक है, और अगर कोई एक क्रोमोसोम या एक ही क्रोमोसोम बस अगर आपका प्लस या माइनस हो जाए तो हम उसको, अगर माइनस हो गया तो सिर्फ एक ही रहेगा उस पैर का तो हम उसको मोनोजोमी बोलेंगे,
अगर आपका प्लस हो गया तो एक ही टाइप का क्रोमोसोम आपके सेल में तीन आ जाएगा तो हम उसको ट्राइजोमी बोलेंगे। सो ट्राइजोमी का एग्जांपल इज डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में किसका ट्राइजोमी होता है? 21st क्रोमोसोम का होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में किसका ट्राइजोमी होता है? सेक्स क्रोमोसोम का होता है ना, या XXY हो जाता है। और टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी, फीमेल्स में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम रहता है। सो हियर वी कंप्लीट योर चैप्टर इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके बाद वी विल स्टार्ट विथ योर नेक्स्ट यूनिट दैट इज बायोटेक, सिंस मॉलिक्यूलर बेसिस आपका गौरव सर ले रहे हैं। सो कोई भी प्रॉब्लम होगा वी विल डिस्कस इट इन द लाइफ।